हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है कैबेज पराठा, यानी कि पत्ता गोभी के पराठे। ये एक स्वादिष्ट और सेहतमंद गेहूं का पराठा है जिसे मसालेदार पत्ता गोभी की स्टफिंग से भरा जाता है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी में सबसे पहले आपको इसका आटा रेडी कर लेना है। तो आपको यहाँ पर आटा लेना है, थोड़ा इसमें तेल डालना है मोइन के लिए, और फिर हम बीच बीच में पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से नीड कर लेंगे। तो आटा गूंथते टाइम हम ये नहीं बता सकते कि इसमें आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा, लेकिन हाँ, बस आपको उतना ही पानी डालना है जिससे कि ये आप इसका सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी कर लें। ध्यान रखिए, ये सख्त नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ये डो बहुत ही लचीला सॉफ्ट डो होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे बेलेंगे तो ये आराम से अपना शेप ले लेना चाहिए, आराम से फैल जाना चाहिए। तो इस तरह से ऊपर थोड़ा तेल लगा लेंगे और उसके बाद इसे ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम रेडी कर लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो यहाँ पर आपको कढ़ाई गरम करना है, उसमें तेल गरम करना है, फिर हम इसमें डालेंगे अजवाइन। जैसे ही क्रैकल होने लगे फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड जिंजर। चॉप्ड जिंजर डालने के बाद इसे थोड़ा भून लीजिए, और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड कैबेज। या तो आप इसे फाइनली चॉप कर लीजिए, या आप इसे फूड प्रोसेसर में भी डालकर इसे ग्रेट कर सकते हैं, एनी वे विच यू लाइक। तो यहाँ पर हम इसे डाल देंगे और थोड़ा इसे भूंज लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे चला लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड मिंट लीव्स एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। आपको ध्यान रखना है कि नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि ये कैबेज जब कम हो जाता है तब नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर स्टफिंग बन करके तैयार है। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और वापस चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो देखिए, इसका रेस्टिंग पीरियड होने के बाद हम इसे वापस से नीड कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसका सॉफ्ट सा मुलायम सा डो बन करके तैयार है। तो अब इस डो का हम इस तरह से ऐसे पोर्शन लेंगे और थोड़ा सा आटा इसमें डस्ट करते हुए आपको इसे इस तरह से बेल लेना है, और उसके बाद इसके बीचों बीच हमें ठंडा किया हुआ पत्ता गोभी का स्टफिंग डालना है। डालने के बाद इसके चारों साइड्स हम टक कर लेते हैं इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा आटा बचता है उसे निकाल लेंगे और वापस से इसे हम बेल लेंगे। अब इसे आपको हल्के हाथों से बेलते हुए जाना है, ना कि इसे प्रेशर देते हुए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको डो, नॉट इवन दिस डो, एनी स्टफिंग पराठास डो, आपको उसको हमेशा सॉफ्ट एंड लचीला ही गूंद करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पराठा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टर्न करते हुए इसे आपको पकाना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। ध्यान रखिए कि इसके साइड्स को अब आपको दबाते हुए पकाना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेम बीच में होता है तो बीच का पोर्शन जल्दी पक जाता है, और साइड्स को आपको दबा करके पका कर रेडी करना होता है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपके स्टफिंग अगर नमी छोड़ने लगे तो उसमें हम एक चम्मच या दो चम्मच गेहूं का आटा मिलाएंगे और उसको उसमें मिक्स कर लेंगे, और हमारा स्टफिंग फिर से रेडी है स्टफ्ड होने के लिए। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ बनकर के तैयार है हमारा कैबेज का पराठा, यानी पत्ता गोभी का पराठा। इसे आप सर्व कर सकते हैं अपनी मनपसंद चटनी के साथ, कर्ड के साथ, या फिर सिर्फ बटर के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही न्यू वीडियोज़ लाती रहूँ, और जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।